हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एकेडमी। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से लाइव आ जाइए। और लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को। बहुत अच्छा आज का सेशन होने वाला है। इट विल अबाउट इंडियन इकोनॉमी करंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस के बारे में। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप यूजीसी नेट की प्लस या आइकन की सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। ये 21 सब्जेक्ट्स हैं अनअकैडमी पर जो आपको अवेलेबल होते हैं यूजीसी नेट की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, प्लस एंड आइकनिक। प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, पीडीएफ नोट्स भी आपको साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो आइकनिक में आपको प्लस वाले सारे फीचर्स मिलते हैं, प्लस आपको पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग, स्टडी मटेरियल, ये सब भी मिलता है। बात करें फी स्ट्रक्चर की तो जल्दी से देख लीजिए। नो होस्ट ईएमआई पर भी आप पे कर सकते हैं और इन सभी प्राइजेस पर मिलेगा 10% इंस्टेंट ऑफ अगर आप मेरा रेफरल यूज करते हैं। एंड दिस इज फॉर आइकनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें भी आपको रेफरल कोड यूज करने पर इंस्टेंट 10% ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बग्स बाउंटी प्रोग्राम है। किसी भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरी कुछ फ्री वाली क्लासेस हैं जो आपको अनअकैडमी पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और अगर आप पहली बार मेरी क्लास असेस करना चाहते हैं तो आप ये इनवाइट कोड अप्लाई करेंगे सिमर 10। इससे आप मेरा सारा फ्री मटेरियल असेस कर पाएंगे। ठीक है, फीचर्स क्या रहते हैं इन स्पेशल क्लासेस के? एक तो ये लाइव होती हैं, पॉलिंग के ऑप्शंस होते हैं, यू कैन रेज योर हैंड, नोटिफिकेशन मिलती है और पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। ये कोर्स मेरा जो अभी अनअकैडमी पर चल रहा है और आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन से। नेक्स्ट मंथ में पेपर 1 का रिवीजन एमसीक्यूज कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे कोर्सेज मिलते हैं, ये बैच कोर्सेज भी मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ? यस, गुड इवनिंग एवरीवन, आंसर मी, हरी अप। करेक्ट आंसर इज रघुराम राजन। वर्ल्ड द इकोनॉमी नीड्स नाउ 2019 में बुक पब्लिश हुई रघुराम राजन की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सनराइज इंडस्ट्री? इनमें से सनराइज इंडस्ट्री कौन सी नहीं है? ओके, सो इट इज डी, कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री इज नॉट ए सनराइज इंडस्ट्री। हाउ? देखिए, मतलब समझिए, मैंने साथ में सारी एक्सप्लेनेशन भी मेंशन की है। तो सनराइज इंडस्ट्री इज ए टर्म यूज्ड फॉर ए सेक्टर दैट इज जस्ट इन इट्स इन्फेंसी। मतलब कि ऐसा सेक्टर जिसने अभी अभी शुरुआत की है बट वो आगे जाके रैपिडली ग्रो करने वाला है। ठीक है, जैसे कि
एक इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ रेट अभी अभी शुरुआत की, मतलब अभी वो इन्फेंट स्टेज पे या बच्चे वाले स्टेज पे, बट आगे जाके उसकी हाई ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। डिग्री ऑफ इनोवेशन, ग्रोथ रेट्स उसमें बढ़ने वाले हैं। कॉटन इंडस्ट्री को छोड़ के इनमें से जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो सनराइज इंडस्ट्री है, बिकॉज कॉटन इंडस्ट्री इन्फेंट इंडस्ट्री नहीं है, इट इज़ नॉट ए न्यू इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यू इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, दे आर, ये इंडस्ट्री अभी अभी उठना शुरू हुई है। ठीक है ना, इन्फेंट स्टेज से अभी अभी उठना शुरू हुई है, दैट इज द थिंग। तो नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग। करेक्ट आंसर इज ओनली वन, ए। देखिए, जो नीति आयोग है इसका ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट को फोस्टर करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना है। यस, कोऑपरेटिव एंड कंपिटिटिव फेडरलिज्म दोनों को बढ़ाना। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, सो सेकंड इसलिए ठीक नहीं है। देखिए, जो नीति आयोग है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, इट इज नॉट ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, सो डेट्स वाई सेकेंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड्स प्रोडक्शन वॉज टारगेटेड अंडर येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन में कौन कौन से ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन आती है? एज यू नाउ, येलो रेवोल्यूशन का मीन्स है ऑयल की प्रोडक्शन। ठीक है ना, बिकॉज ऑयल येलो होता है, सो कौन कौन से ऑयल्स की प्रोडक्शन वही टारगेट है। यस, हरिया, येलो रेवोल्यूशन 9 ऑयल सीड्स को कवर करती है। इसमें आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, दीज ऑल 5 आर। ठीक है, तो दे आर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सैफ्लावर, सिसमे, सनफ्लावर, निगर, लिनसीड एंड कैस्टर। ठीक है, तो 9 तरह के ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन येलो रेवोल्यूशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, कृषि विकास केंद्र क्या है? बी आंसर, बाकी भी बताइए। बी इज रॉन्ग, इट इज सी। कृषि विज्ञान केंद्र एक्चुअली एक सेंटर्स होते हैं जो ICAR, डेट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और फार्मर्स में लिंक एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, आपको पता है कई कॉलेजेस, जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेजेस ICAR से एफिलिएटेड होते हैं, पता है इसके बारे में आपको? ICAR के कॉलेजेस होते हैं, ICAR की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस होते हैं, वो ICAR से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसमें क्या होता है, ICAR और फार्मर्स इसके बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं। सो बी करेक्ट आंसर नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट रूट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? यस, हरी अप, गिव द आंसर। यस, इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड ओनली विद प्योर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही हो सकती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट रूट। दो रूट्स होती हैं ना, एक होती है ऑटोमेटिक रूट और एक होती है गवर्नमेंट रूट। सो ऑटोमेटिक रूट में विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल यू कैन इंडल्ज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बट गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। जैसे जैसे लिबरलाइजेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के जरिए अलो कर रही है ना। नेक्स्ट देखिए, मैनी टाइम्स वी रीड इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट ए टर्म कोर इन्फ्लेशन। द कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। कोर इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन रेट ऑफ पर्टिकुलर बास्केट ऑफ कॉमोडिटीज़। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर बास्केट ऑफ कॉमोडिटीज़ मतलब इसमें हम सभी कॉमोडिटीज़ नहीं लेते, इसमें हम कुछ पर्टिकुलर कॉमोडिटीज़ को ऐड करते हैं। जैसे कि हम फूड एंड फ्यूल के प्राइजेस को कोर इन्फ्लेशन से डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। विच सेक्टर हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी? यस साक्षी घोष जी, फूड लाइन, फ्यूल, ये सारे हेडलाइन इन्फ्लेशन में आते हैं। तो इट इज सेकेंडरी सेक्टर, उसने कहा है पोटेंशियल किस में है, मतलब ये नहीं है कि मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, देखिए इट हैज आल्सो मस्ट एज वन ऑफ द, इसका एक रीजन ये भी है कि देखिए गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया में कितना प्रमोट कर रही है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और इतने सारे इनिशिएटिव के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है कि इंडिया हमारा सेल्फ रिलायंट बने, वो इंपोर्ट्स के लिए दूसरों पे डिपेंड ना करे, है ना। तो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग को उत्साहित करने के लिए काफ़ी स्कीम्स बनाई गई हैं। ठीक है, सो सेकेंडरी सेक्टर जो है इसमें लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। जो चीज़ें हम दूसरों से फॉरन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं
उन चीज़ों को अगर हम अपने कंट्री में बनाना शुरू कर दें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इन विच जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ? वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज 1 जुलाई 2017। एक इनडायरेक्ट टैक्स है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ? यस, तीनों ही एग्रीकल्चर ग्रोथ के कम होने के रीजंस हैं। इरिगेशन में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का कम होना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस का खराब होना और फार्मर्स को क्रेडिट सपोर्ट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, तीनों ही लो एग्रीकल्चर ग्रोथ का रीजंस है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे रूरल एरियाज की इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई, उनमें इन्वेस्टमेंट्स कम हुई, ठीक है। तो राइसिंग लेवल ऑफ सब्सिडीज फॉर पावर, वाटर, फर्टिलाइजर, ये सब्सिडीज का बढ़ना भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक ठीक बात नहीं है, क्योंकि इससे वेस्टेज बढ़ेगी ना, और जो इन्वेस्ट हमने सब्सिडीज देने पर करना है, एक्सपेंसेस लगाने हैं, वही एक्सपेंसेस अगर हम इन्वेस्टमेंट पे लगाएं, इरीगेशन पर लगाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फार्मर्स को क्रेडिट सपोर्ट नहीं है, एपीएमसी इश्यूज, मंडीज के इश्यूज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, येलो राशन कार्ड अंदर अंत्योदय अन्ना योजना इज गिवन टू हूम? हेलो, यस, एक मिनट वेट करो। Sorry to interrupt. Actually, there was a very important call. So, its right answer is हेलो, ग्रुप से नंबर सेंड किया, एक पार्सल आया। हाँ, बैक कॉल कर लो, ग्रुप सेंड किया, मेरी क्लास चल रही है। ओके, सो देखिए, वापस आते हैं। सॉरी, एक्चुअली सॉरी, इट वाज पार्सल, तो आई कांट इग्नोर दैट कॉल। सो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, आपने सुना होगा कई बार अपने गली मोहल्लों में, बहुत जगह सोसाइटी में, कि जो बीपीएल लोग हैं वो राशन कार्ड्स बना रहे हैं, येलो राशन कार्ड्स, जिससे उसे उन्हें अनाज जो है वो सस्ते पे मिलेगा, है ना। तो दैट आर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमईज टू इंडियन एक्सपोर्ट्स?
निरंजन जी, बीपीएल और चीज है, बीपीएल कोई योजना नहीं है। बीपीएल इज नॉट ए स्कीम, बीपीएल का मतलब है पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। जो लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं वो बीपीएल में शामिल हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं, बताइए। तो इट इज नॉट ए योजना, इट इज नॉट ए स्कीम। भारत में जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन, वो 90% पॉलिसीज जो हैं वो बीपीएल को ही टारगेट करती हैं, बात समझे ना। तो एमएसएमईज कंट्रीब्यूट्स अराउंड 45% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वेटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आईआईपी। तो यस, सेकंड से इट इज 19.85। सो द वेटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा एक वीडियो है मेरी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे कंप्लीट वीडियो है, यूट्यूब पे आपको मिलेगी। इसमें मैंने आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हाट आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं ये क्वेश्चन करंट में बहुत बार पढ़ चुकी हूँ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज आईआईपी में 19.85 और 8 कोर सेक्टर्स जो है टोटली 40.27 इनका वेटेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज कवर्ड अंडर मुद्रा योजना, कौन सा सेक्टर मुद्रा योजना में कवर्ड है। टेक्सटाइल, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नन ऑफ द अबव। होपफुली यू ऑल नो अबाउट मुद्रा योजना, शिशु, किशोर, तरुण, है ना, हैव यू नो अबाउट इट। यस, सो करेक्ट आंसर इज टेक्सटाइल सेक्टर। द मेजर सेक्टर्स विच आर कवर्ड अंडर पीएम मुद्रा योजना, मेजर सेक्टर्स जो पीएम मुद्रा योजना में कवर्ड है, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज, फूड प्रोडक्ट सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एट द बैंक्स गेट फॉर सीआरआर मनी डिपॉजिट विद द आरबीआई। मतलब कि जो बैंक्स को क्या, कौन सा इंटरेस्ट रेट मिलता है जब वो कैश रिजर्व रेशियो डिपॉजिट करवाते हैं आरबीआई को। बताइए जल्दी से, कंफ्यूजिंग ना, समथिंग कंफ्यूजन कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। तो मैं बता देती हूँ, देयर इज नो इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता। देखिए बैंक्स के लिए जरूरी है, सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए, कि उनको अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जमा करवाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी से सीआरआर। तो इसको जमा करवाने पर सेंट्रल बैंक उन्हें बदले में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता, ठीक है, देयर इज नो इंटरेस्ट रेट, बात समझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इट इज फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज अ फ्रेमवर्क विच एनेबल ए फॉरवर्ड लुक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच विल क्रिएट जॉब्स, इम्प्रूव ईज ऑफ लिविंग, प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, देयर बाय मेकिंग ग्रोथ मोर इंक्लूसिव. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, जिससे कि इकोनॉमी में जॉब्स बढ़े, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस बढ़े, इक्विटेबल एसेस हो इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है. तो इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का इससे कोई लेना देना नहीं है. From time to time, which among the following publishes the exchange control manual in context with the foreign exchange in India? No, it is Reserve Bank of India, RBI. हर साल एक्सचेंज कंट्रोल मैन्यूअल टाइम टू टाइम जो है वो RBI के द्वारा पब्लिश किया जाता है. Which among the following a domestic payment system? Very important, very common sense based question. यस, इट इज रुपे कार्ड. तो रुपे कार्ड जो है ये एक इंडिया का डोमेस्टिक कार्ड है, ठीक है. NPCI के द्वारा ये सेट किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक्स इन इंडिया, और ये 2012 में लॉन्च किया गया था. ये मेरे पास भी है, कैनरा बैंक का रुपे कार्ड. ओके, सो द नेक्स्ट इज अंडर विच अमंग द फॉलोइंग अवैध हवाला ट्रांजेक्शन आर बैंड इन इंडिया. हवाला ट्रांजेक्शन इंडिया में बैन किस एक्ट के दौरान हुई थी? ओके, सो इट इज़ फेमा. अब आपको पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसे रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, ठीक है. तो इस एक्ट के दौरान ही जो हवाला ट्रांजेक्शन्स है उन्हें बैन की गई थी. एनीवन नो अबाउट हवाला ट्रांजेक्शन्स? पता है, अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो खुद क्या पढ़ोगे. थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा, इलीगल होती हैं ये हवाला ट्रांजेक्शन्स क्या है, ठीक है.
नेक्स्ट देखिए, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस इज ए नोवल अप्रोच टू बैंकिंग विद द पुअर थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हाउ एवर द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ MFIs हैव नाउ रिप्लेस द SHS विद JLGS। वट डज द JLG मोस्ट कॉमनली स्टैंड फॉर? अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपली फुल फॉर्म पूछी गई है JLG की, बट बड़ा लमका दिया क्वेश्चन को, है ना? यस, इट इज ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप एक माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस सेल्फ ग्रुप से रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है? तो ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अब पहले मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम से जाने जाते थे, अब ये ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कैरेक्टराइज बाई हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अमंग अदर्स? ये क्वेश्चन थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है ना? आई डोंट नो, 60 लर्नर्स यहाँ पे लाइव है और आंसर मुझे ना सिर्फ 5-6 के आते हैं, सभी आंसर्स क्यों नहीं देते? तो यस इट इज कार। इन केस ऑफ हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन इनकम इज अकंपनीड बाय ए रिलेटिवली लार्जर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स। Does among the given options car has high income elasticity of demand? तो जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा क्यों होती है? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है? बट जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जैसे ये मिल्क है ना, जो ये नेसेसिटी में आएगा, पैडी भी नेसेसिटी में आएगा, है ना? बिकॉज इससे वो राइस बनते हैं, तो ये नेसेसिटी में आएंगे। तो इन इनकी डिमांड बिल्कुल कम इलास्टिक होती है, वेरी लो इलास्टिसिटी। क्यों? अब मान लीजिए हम एक दिन का आधा किलो मिल्क यूज करते हैं, 1 किलो मिल्क यूज करते हैं, तो अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम मतलब ये थोड़ी ना कि दिन का 2 किलो दूध पीने लग जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो इनकी डिमांड पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है बट ज्यादा नहीं। तो जो नेसेसिटीज होती है इनकी डिमांड कम इलास्टिक होती है। ये तंबाकू जो है, दिस इज इंफीरियर कमोडिटी, ठीक है? ये इंफीरियर कमोडिटी है और इंफीरियर कमोडिटी के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव चली जाती है। अगर इनकम बढ़ती है तो हम इनकी कंजम्पशन कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट्स ई नाम? सो आपने कभी ई नाम के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ई नाम को इम्प्लीमेंट किया है? ओके, सो दैट इज SFAC, स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कॉन्सोर्टियम इज ए लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई नाम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इट इज SFAC, ठीक है, इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नाम है अगर आपको मिनिस्ट्री का नेम देना है तो, ठीक है, बट ये मिनिस्ट्री तो कहीं शामिल थी नहीं। देन SFAC एक लीड एजेंसी है ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो हम SFAC को चूज करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेन एम क्या है? ओके, सो दैट इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मेजर्स, ठीक है, ए आंसर ही आया सबका। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मेजर्स से प्रमोट करना इस मिशन का जो है एम है, ठीक है। इट इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन मेजर्स। तो इसका मेन एम क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को स्पेशली रेनफेड एरियाज में बढ़ाना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सोशल हेल्थ मैनेजमेंट, साइनर्जाइजिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, इन चीजों पे जोर देना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? ओके, इट इज मंथली बेसिस, CPI जो है आपका ये मंथली बेसिस पर आता है, ठीक है। इट इज रिलीज्ड ऑन मंथली बेसिस बाय CSO, इट हैज बोथ हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन मेजर्ड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू बी कंसीडर्ड एज ए स्मॉल कंपनी? MSME की डेफिनेशन होती है ना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, तो इन ये डेफिनेशन दो बेस पर होती है, दो चीज़ों के बेस पे, मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे एंड सर्विसेज के बेस पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे तीनों की अलग डेफिनेशन है, सर्विसेज के बेस में तीनों की अलग डेफिनेशन है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो, यू हैव टू रीड दिस ऑल डेफिनेशंस। ओके, सो इट इज 10 करोड़। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रो कंपनी होती है। देखिए, माइक्रो अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेस है, स्मॉल होती है अगर 10 करोड़ से लेस है, और मीडियम होती है अगर 20 करोड़ से लेस है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपको सर्विसेज के बेस पे भी इसकी डेफिनेशन रीड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज,
ये जो टोटल है ना, ये पता कितने क्वेश्चंस है, मैं आपको बताती हूँ स्लाइड में। बहुत पड़े हैं अभी तो क्वेश्चंस, तो देखते हैं हम कितने होते हैं 7 बजे तक, है ना। तो वॉलेंटरी फॉर ऑल फार्मर्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये फार्मर्स के लिए वॉलेंटरी है, जरूरी नहीं है। अब किसी के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि आप आके अपना जो है इंश्योरेंस करवाओ, जरूरी थोड़ी है। फार्मर्स अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, मतलब इनमें उनकी इच्छा है, वो चाहे तो करा सकते हैं, चाहे तो नहीं करवा सकते। दैट्स व्हाई इट इज वॉलंटरी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज टेकन बाय आरबीआई टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। खत्म ही होने वाले हैं क्वेश्चंस। ओके सो इट इज बी 1, 2, 4। परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स एंड रिड्यूस एसएलआर। एज यू नो क्या होता है कि जब मनी, जब आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की जाती है, जब आरबीआई खरीदता है तो जो मनी है वो आरबीआई से ट्रांसफर होती है पब्लिक के हाथों में। तो दैट मीन्स पब्लिक के हाथों में पैसा ज्यादा आता है, लिक्विडिटी ज्यादा आती है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट्स का कम होना दैट मीन्स कि लोग जो हैं वो ज्यादा लोन लेंगे, सेविंग्स कम करेंगे, तो दैट मीन्स लिक्विडिटी बढ़ेगी। और अगर एसएलआर कम होता है दैट मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ये रेट टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है। तो जब उन्हें कम परसेंटेज अपने पास रखना पड़ेगा दैट मीन्स उनके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे लोगों को लोन्स देने के लिए, तो उनकी लैंडिंग बढ़ेंगी। लैंडिंग बढ़ेगी तो इससे भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी सिस्टम में। क्लियर? तो रेस सीआरआर नहीं है, बिकॉज अगर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ती है, कैश रिजर्व रेशियो जो कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई को देना पड़ता है, ठीक है। सो ये अगर बढ़ती है तो इससे कमर्शियल बैंक के पास लैंडिंग के लिए पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इट इज ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर करेक्ट है। आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शिड बी नेशनल हाउसिंग बैंक, नबार्ड, एक्सिम बैंक, ये सारे ही आरबीआई के परव्यू में आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडरीज जैसे कि निधिज, चिट फंड्स, प्राइवेट लैंडर्स, जो विलेज के शाहूकार होते हैं, है ना वो, और इंडिग्नस बैंकर्स, ये आरबीआई के परव्यू में नहीं आते, ठीक है। तो दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। बाकी ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सेबी। इनमें से सेबी का फंक्शन कौन सा है?
रेगुलेट्स एक्सपोर्ट्स, रेगुलेट्स सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेट्स नाबार्ड। मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में सैप भी करवाया हुआ है, हालांकि इंडियन इकॉनमी पर जो मैंने करंट न्यूज़ वाले सेशंस लिए हुए हैं ना सैटरडे संडे को, उसमें मैंने आपको सैप भी बड़ी बार करवाया हुआ है, इसके सभी फंक्शंस नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल। ओके, सो इट इज बी सेकंड एंड थर्ड ओनली। एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करना सेबी का काम नहीं है, नबार्ड को रेगुलेट करना सेबी का काम नहीं है, बट सेबी सिक्योरिटी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करेगा। ठीक है, सो पूरी जो आपका स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट होती है उसका कर्ता धर्ता सेबी होता है। सिक्योरिटी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसमें करप्शन को कम रखना, करप्शन को नहीं होने देना, इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद करना, ये टाइमली इंस्पेक्शंस करना, है ना, ये सब काम सेबी करता है। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड्स भी एक तरह के ये स्टॉक मार्केट का इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, बस जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना उसमें थोड़ा रिस्क कम रहता है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने सिक्योरिटी मार्केट में कभी डील किया है, स्टॉक मार्केट में कभी पैसे लगाए हैं, तो आप सब इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड इज आल्सो ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी, बट इट हैज लेस रिस्क देन अदर सिक्योरिटीज, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो 1988 में एस्टेब्लिश हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी बना 1992 में। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया, हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। यस, स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब रहता है बताइए। नानू बोहरा जी, यस, इस टाइम पे डेली क्लास होती है इकोनॉमिक्स की। यस, यू कैन से इन्फोर्स्ड बाय द लॉ, इन्फोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा इन्फोर्स्ड की जाती है। ठीक है, चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन, अच्छा, आज का सेशन कैसा लगा आपको, क्या क्या प्रॉब्लम है आज के सेशन में बताइए, कोई दिक्कत है किसी को आज के सेशन में? यस टेल, नेक्स्ट क्लासेस का भी शेड्यूल बताने वाली हूँ, किसी को जाना नहीं है, सारा शेड्यूल सुन के जाइएगा। सीरीज लेने पर करना है, एक्सपेंसेस लगाने हैं वही। ओके सविता जी, थैंक यू वेरी मच। चलो, सो शेड्यूल देख लीजिए अभी नेक्स्ट क्लासेस का। आज रात को 9:30 PM पर आपका एक प्लस सेशन है। ठीक है, इसमें हम आज काफी सारे इकोनोमेट्रिक्स के एंड एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स करेंगे, और इसके बाद कल आपकी शाम को, इवनिंग की क्लासेस हैं, एक क्लास है आपकी शाम को 6 बजे इसी चैनल पर, दैट इज मॉक टेस्ट ऑफ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। इसमें हम इकोनॉमिक्स के नए नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और फिर आपका कल एक 5 बजे स्पेशल क्लास है,
इसमें हम जो आपके बजट के क्वेश्चंस रहते रह गए थे ना उस दिन की क्लास में, वो हम कंटिन्यू करेंगे। बजट 2020-2021। और कल रात को 9:30 बजे एक और स्पेशल क्लास है आपकी, दिस इज डाउट सेशन। ये डाउट सेशन होगा, इस डाउट सेशन में आप अपनी क्वेरीज ला सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी। तो ये कल की 3 क्लासेस हैं, ये यूट्यूब पर है और बाकी दोनों आपकी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस हैं। और आज रात को 9:30 प्लस सेशन है। तो आप में से कोई भी अगर अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना चाहता है और मेरे साथ यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहा है, तो साइमल्टेनियसली सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आप अन अकेडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये कोड यूज़ करके इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आप पहली बार मेरी स्पेशल क्लासेस देखने जा रहे हैं तब भी आपको ये इनवाइट कोड यूज़ करना है। इसी इनवाइट कोड को यूज़ करने से आप मेरा फ्री मटेरियल एसेस कर पाएंगे, ठीक है। नहीं, यूट्यूब पे नहीं है, वो तो आपकी प्लस पर है ना, जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखी है उनके लिए। ओके, श्योर, आई विल टेक क्लास ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स ऑन यूट्यूब इन नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते लेंगे हम। तो अगर सेशन हेल्पफुल लगा हुआ, अच्छा लगा हुआ,